हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं लाई हूँ कॉर्न अंगारा की रेसिपी, वो भी बिल्कुल अनिकी स्टाइल में। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बताइएगा कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में पानी ले लेंगे और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1.5 कटोरी स्वीट कॉर्न, जिसे मैंने फ्रोज़न यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी अवेबिलिटी हो आप उस हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे और जब तक ये बॉईल होता है हम ग्रेवी का मसाला रेडी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल अच्छे से गरम कर लेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें ऐड कर लेते हैं 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, जिसे हम जीरा भी बोलते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 खड़ी लाल मिर्च, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद में 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची छोटी वाली, और अब इसमें ऐड करेंगे 3 पीस लौंग के, जिसे हम क्लोव्स भी बोलते हैं, और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज कटा हुआ या फिर 1 कटोरी प्याज कटा हुआ। अब इसे हम अच्छे से चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाइस शेप में कटे हुए, या फिर हम 1 कटोरी टमाटर कटा हुआ ऐड कर सकते हैं। और अब इसे फिर से हम 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स, 1 से 1.5 मिनट हो गया है, अब इसमें ऐड कर लेते हैं 10 से 12 काजू, जिसे मैंने पहले से ही स्प्लिट करके रखा हुआ था। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से पक भी चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रांसलूसेंट भी हो गया है। तो चलिए गैस बंद करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। अब सब्जी रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई या पैन ले ले, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल अच्छे से गर्म कर लेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल अब बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से 30 सेकेंड्स के लिए पका लेंगे। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, इसके बाद इसमें ऐड करते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसे हम फिर से 15 से 20 सेकेंड के लिए अच्छे से हिला के पका लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे भी 15 से 20 सेकेंड के लिए अच्छे से हिलाते हुए पका लेंगे। 15 से 20 सेकेंड हो चुके हैं, अब इसमें ऐड कर लेते हैं 3/4 कप शिमला मिर्च कटी हुई, इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें जो हमने ऑलरेडी ग्रेवी बना के रखी हुई है हम उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से मिक्स भी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसमें ऐड कर लेंगे अब 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, इसे हम फिर से अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसमें फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे से अब इन्फ्यूज़ हो गए हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से उभर के आए, और इसे हम अब ऐसे ही ढककर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गए हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक बहुत अच्छा सा बॉयल भी आ गया है। चलिए अब इसे अच्छे से हिला लेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे फ्रेशली चॉप कोरिएंडर, जिससे फ्रेशनेस बहुत बढ़िया आती है सब्जी में और सब्जी एकदम उभर के आती है। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हिलाते हुए, ताकि जो कोरिएंडर का फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से ग्रेवी में इन्फ्यूज़ हो जाए और ग्रेवी बहुत अच्छे से उभर के आए। सारे स्पाइसेस और मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, 1.5 कटोरी कॉर्न, जो हमने पहले से ही इसे बॉईल करके रखा हुआ था। इसे अच्छे से ग्रेवी के साथ में मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढककर अच्छे से पका लेंगे।
जब तक सब्जी पक रही है कोयले के 2 से 3 पीस ले लेंगे और उसे अच्छे से गैस पर गरम कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सब्जी को एक स्मोकी फ्लेवर देना है और इससे बहुत बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल रेडी है और जो कोयला हमने गरम किया है उसे बीच में प्लेट में प्लेस करेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। और जैसे कि धुआं अब निकलना स्टार्ट हो गया है तो हम अब कढ़ाई का लीड भी बंद कर देंगे और ऐसे ही इसे 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर सब्जी में अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। सब्जी को मैंने एक सर्विंग बोल में निकाल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसे हम फ्रेश कोरिएंडर से अच्छे से गार्निश करेंगे और ये अब बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी है। आप चाहें तो इसे कोई भी पराठा या फिर नान या फिर कोई भी रोटी के साथ में भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। फ्रेंड्स, रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।